सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया बाइक्स हैं, जो दोनों बाइक हैं दोनों स्पोर्ट्स नेकेड हैं, एक बजाज की एक यामाहा की है। अगर आप इसकी हेडलाइट देखिए, देखिए थोड़ा समुराई की तरह लग रही है, ये भी थोड़ी सी एग्रेसिव निंजा की तरह लग रही है। दोनों की जो हेडलाइट है प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, एंड आप देख रहे हो दो आँख की तरह बनी हुई है DRL, बहुत ही चौकस लगती है। एंड ये है 2.0 वर्जन, जिसमें आपको अपसाइड डाउन वाला स्पोक देखने को मिलता है, KYB का, गोल्डन कलर का है, बहुत ही सेक्सी लगता है। एंड यहाँ पर आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक वाला आपको शॉकर देखने को मिलेगा। दोनों बाइक की जो प्राइसिंग है और पावर की डिटेल जो है ना आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रही है, आप लोग कंपेयर कर लीजिए। इसका जो टायर है थोड़ा चौड़ा है, इसका थोड़ा सा पतला है, तो देखते हैं परफॉर्मेंस में क्या रिजल्ट होते हैं, क्योंकि दोनों बाइक ना बहुत ही बढ़िया है। इसमें R15 का इंजन है और ये भी 160cc का इंजन है। ये 5 गियर है, ये 6 गियर है। यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज मिलने वाला है MT15 को, देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ में शारिफ, इनका वेट जो है 65 kg है, मेरा जो है 85 kg है, तो यहाँ पर 20 kg का अंतर है, थोड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है शारिफ भाई को। इसलिए मैं पहले MD चला रहा हूँ, भाई चला रहे हैं N160। देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है, सीधे मिलते हैं आपसे ड्रैग में बिना किसी देरी के। तो चलिए मैं चलाने जा रहा हूँ MT15 और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। मेरा वेट तो आपको बता ही दिया मैंने, बाकी शारिफ भाई देखते हैं कुछ कर पाते हैं MT को हराने के लिए। उनके पास है N160, जो कि अगेन पावर में कम है MT से। पावर तो MT में गजब है। क्या भाग रही है, देखिए आप, N160 तो बहुत पीछे रह गई। और 6 गियर का भी एडवांटेज इसमें मिलता है यार, प्राइस में भी ज्यादा से ज्यादा 20-30 हज़ार का अंतर है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। बहुत तेजी से निकल गया कुंदन भाई, यहाँ मेरे सारे गियर लग चुके हैं। पल्सर के साथ जाना चाहते हैं कि MT के साथ जाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो आप लोगों को MT के साथ ही जाना चाहिए। MT का जो इंजन है बहुत रिफाइन है यामाहा का, और हमारे शारिफ भाई पल्सर N60 लेके बहुत पीछे हैं भाई। इसमें पावर तो कम है यार, लग रहा है मुझे ऐसा, लेकिन फिर भी देखते हैं पकड़ पाते कि नहीं यार। ये लिमिटर मार दे रही है 28 पे भाई, तो नहीं पकड़ सकता हूँ कहीं से भी, वो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो N160 है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाती है 126 और ये चल रही है 135-136 के आसपास, तो कहीं से भी जीतना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे अपन जीत गया है MT15 लेके, तो अब हारने का भी मज़ा चखेंगे राइडर चेंज करके। कितने पे लिमिटर मार रही थी? 28 में ना, कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये 130 प्लस जा रही है। चलिए राइडर चेंज करके एक बार आपको दिखा देते हैं पूरा, एंड देन उसके बाद ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का एडवांटेज मिल जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको चार्जिंग का पोर्ट मिलता है, ठीक है, तो टूरिंग वूरिंग के लिए बढ़िया है। पड़ गई, मेरा पैर बड़ा हो जाता है इस गियर लीवर के। कहाँ भाई, कहाँ जीत सकते हैं हम उससे, ऊपर से 5 गियर लिमिटर 128 में,
स्टार्टिंग में निकल गए तो निकल गए, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। यस यामाहा टॉप एंड का कोई मतलब ही नहीं है निकलना, तो यहाँ पे बोलती बंद 126, 127, 128, अरे लियो आ गया। सारे भाई नहीं रोक रहे हैं, चलो रोक दिया, कोई मतलब ही नहीं था यार। तो आप देख सकते हो अब आप लोग के सामने रिजल्ट है, आप लोग क्या करना चाहते हैं ये बताइए, आप लोग कौन सी बाइक लेना चाहेंगे। मेरे हिसाब से तो यार एमटी की जगह आप लोग ले सकते हैं N250, क्या बोलते हो, है ना। एमटी से कंपटीशन जो है, कंपटीशन वो एमटी का N250 से है, N250 से कंपटीशन है इसका, N160 से नहीं, इससे नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है कंपटीशन इसका। तो भाई ये था हमारा रिजल्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना है आपको, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके शेयर कर दो, उनको कौन सी बाइक लेनी परफॉर्मेंस को देख के उनको पता चल जाएगा। तो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करिएगा, कुछ भी पूछना है वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।